अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज लूप्स के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आर लूप्स इन सी प्लस प्लस? लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो सी प्लस प्लस में लूप्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें किसी कोड को रिपीट करना हो या ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोगों ने रिपीट करना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लूप्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि आप 100 मरतबा हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे? आप ये कर सकते हो कि 100 मरतबा सी आउट लिखकर एक मैसेज यानी कि हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हो। लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप लूप इस्तेमाल कर लो। लूप इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक बार सी आउट यूज़ करना पड़ेगा, जबकि लूप उसको 100 मरतबा स्क्रीन पर आपको प्रिंट करके देगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था। लूप्स को यूज़ करते हुए आप अपने प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि हम लूप से कितने ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं? लूप्स 3 टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस में, जिसे फॉर लूप कहा जाता है, और दूसरे को वाइल लूप, और तीसरे को डू वाइल लूप कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेक्स इसको देखेंगे कि फॉर लूप का सेंटेक्स क्या है, और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि उसको कोड में किस तरह यूज़ किया जाता है। फॉर लूप के लिए सबसे पहले कीवर्ड फॉर लिखना पड़ता है, और उसके साथ पैरेंथेसिस में ये 3 चीज़ें भी ऐड करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, दूसरे नंबर पर कंडीशन है, और तीसरे नंबर पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं। इनिशियलाइजेशन में हम लोग इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेस वेरिएबल एंड इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोड का एक एग्जांपल भी दिया है कि एक वेरिएबल जिस तरह हम लोगों ने इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 1 लिया है, इसको इनिशियलाइज किया जाता है, और ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है कंडीशन, जो कि अगर ट्रू हुई, अगर हमारे कंडीशन ट्रू हुआ, द बॉडी ऑफ फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो फिर ये जो हमारे पास, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये जो फॉर लूप की ये बॉडी है यहाँ पे, ये जो सी आउट मैंने लिखा है, ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉर लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड पे हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि अपडेट करती है उस वैल्यू को जो पहले से हम लोगों ने इनिशियलाइज़ की है। तो अगर आई इज़ इक्वल टू 1 है, तो इस तक पहुंचने, ये सी आउट का जो फॉर लूप का बॉडी जब एग्जीक्यूट होती है, तो उसके बाद ये अपडेट हो जाएगी, यानी कि उसमें एक प्लस हो जाएगा। 1 में 1 प्लस होने के बाद ये अब आई इज़ इक्वल टू 1 नहीं रहेगा, आई 2 के बराबर होगा। तब फिर इस कंडीशन को दोबारा चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू हुई तो फिर इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर ये ट्रू ना हुआ तो फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि इस प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में बनाने की कोशिश करते हैं कि और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक न्यू फाइल खोलते हैं, और उसमें हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं। एश इंक्लूड पहले लिखते हैं, आयो स्ट्रीम, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन का फंक्शन बना लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि फॉर लूप को इस्तेमाल करें। तो फॉर लूप को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले देखना, हमें पहले ये सोचना होगा कि हमें करना क्या है, फॉर लूप किस लिए इस्तेमाल करना है। तो लेट्स से हम लोगों को 100 मरतबा हेलो हेलो वर्ड को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लूप, सबसे पहले फॉर लूप के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर 3 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ है वो इनिशियलाइजेशन है, तो इंटीजर आई इज़ इक्वल टू हम लोग 1 करते हैं, फिर सेमी कॉलन आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कंडीशन है, कितने हमें कितने बार इसको चलाना है, तो कंडीशन सेट करने है आई इज़ लेस और इक्वल टू 20 करते हैं, और थर्ड पे हम लोग आई प्लस प्लस करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने इंक्रीमेंट लगाया है, क्योंकि हमारी कंडीशन इंक्रीमेंट के साथ आगे चल के फाल्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसकी बॉडी को स्टार्ट करता हूँ।
अब जो भी चीज़ को मुझे प्रिंट करना है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो सी आउट करके मैं हेलो वर्ल्ड और इसके साथ ई एंडियल डालूँगा ताकि हर हेलो वर्ड जो है अपने लाइन पर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमें सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, लूप फॉर लूप टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, ये ब्रैकेट गलत डाला है, इसको सेट करते हैं। अब कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 20 मरतबा हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। तो अब इस ये अच्छा नहीं है कि मैं एक ही बार हेलो वर्ड लिखूं और ये 20 मरतबा प्रिंट हो जाए, बजाय इसके कि मैं 20 बार सी आउट लिखूं। हो सकता है हमें रिक्वायरमेंट हो 100 बार किसी चीज़ को प्रिंट करना हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फॉर लूप की सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, आप कई तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर लूप पे कई तरह के प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसको मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।